राजस्व ग्राम ऐसा भी है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। चितौना गांव पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे और वाटर और मॉडर्न टॉयलेट से युक्त है, और साथ ही इसे खास बनाता है इसके तिरंगा के रंग बिरंगी इसकी हर इमारत। पेश है हमारी एक विशेष रिपोर्ट। हम यहाँ पर मौजूद हैं सिटी वन चैनल के माध्यम से, और आप जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हैं, खुले में शौच से मुक्त ग्राम। जी हाँ, बिल्कुल ये पूरी तरह से सच्चाई है। ग्राम सभा धोबही के अंतर्गत एक ग्राम सभा आती है छितौनी, और यहाँ पर नीचे लिखा है कि हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पर ये स्वागत योग्य गांव है। हम आपको इसके बहुत सारी विशेषताएँ बताएँगे, और चूँकि 26 जनवरी है, आने वाली 26 जनवरी, और तिरंगा पूरे हिंदुस्तान में फहराया जाएगा, और उसी तिरंगे के तर्ज पर भी यहाँ पर हर चीज़ यहाँ पर तिरंगे में लिपटा हुआ है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं इस गांव के ग्राम प्रधान दिनेश कुमार यादव जी, और इनके उपलब्धियों के बारे में हम आपको हर चीज़ें बताएंगे, हर बारीकियों को बताएंगे कि किस तरह से ये आदर्श ग्राम घोषित किए करवाए और बनाए हैं उस चीज़ों को। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर तिरंगे में लिपटी हुई हर चीज़ें, यानी कि तिरंगे का ही कलर का ही सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। चूँकि तिरंगा सिर्फ एक शब्द नहीं है, तिरंगा एक कलर नहीं है, बल्कि तिरंगा हमारे रक्त में बहने वाली रवानगी है। तो इसलिए 26 जनवरी के अंतर्गत ये खबर हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त गांव ये घोषित किया गया है। मॉडर्न यहां पर टॉयलेट्स भी उपलब्ध कराए गए हैं, आरओ मशीन्स भी हैं जिसमें सिक्के डाल के और बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल साफ पानी लेते हैं। और जैसे आप ये देख रहे हैं, अभी तो ये दिन में शूट हो रहा है ये स्टोरी, तो आप देख रहे हैं ये लाइटें पूरी रात जलती हैं। सबसे बड़ी खासियत है इस गांव की, गांव होने के बावजूद भी यहां पर सीसीटीवी कैमरे से कोना कोना ज़रा ज़रा लैस है कि सुरक्षा के लिहाज से कि कोई गड़बड़ी ना हो जाए, कोई किसी को मौका ना मिल जाए। तो ये सब कुछ हुआ है महज कुछ सालों में, ये लगभग 15 साल से प्रधान हैं। और हमने इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि कोई मुझे पार्टी से किसी का लेना देना नहीं है, मेरे लिए तिरंगा ही मेरी पार्टी है, मेरा देश ही मेरी पार्टी है। और इस तरह के सारे विकास के काम ये किए हैं, और बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे विजुअल्स में आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा, कितना सुंदर तरीके से। देखिए यहाँ पे आरसीसी की रोड भी है, और बगल में आप देख रहे हैं लाइटिंग की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि अगर आप रात में विजुअल्स देखते तो आपको लगता है कि वास्तव में किसी शहर में आप यहाँ पे आके इस नज़ारा का लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो ये गांव ना हो के पूरी तरह से एक मॉडर्न गांव के तौर पे है। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी और अपने योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी भी चाहते थे कि एक गांव जो हो आदर्श गांव के रूप में हो और एक नज़ीर बने। हम आपको ये खबर भी इसीलिए दिखा रहे हैं कि अन्य प्रधान भी चाहे अन्य जनसेवक भी यहां पर आकर देखें और एक उदाहरण के तौर पर इस गांव को लें। देखिए ये मतलब कहा जाता है ये टॉयलेट है, ये देखिए ये साफ़ सफाई देखिए इस तरीके का, और ये आधुनिक तरीके से। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होगा, कोई परहेज नहीं होगा कि हमारे शहर के भी जो नगर निगम द्वारा संचालित हैं टॉयलेट्स हैं, उनमें भी इतनी सुंदरता, इतनी भव्यता, इतनी स्वच्छता नहीं दिखती होगी जो कि इस गाँव के टॉयलेट में दिखाई दे रही है। पूरी तरह से आधुनिक तरीके से बनाया गया है, और कितनी यहाँ पे साफ़ सफाई के व्यवस्था देख लीजिए, और ये टाइल्स देख लीजिए, मार्बल्स देख लीजिए, बिल्कुल जैसे लगेगा कि आप अपने घर के टॉयलेट में हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से गांव वासियों के लिए बनाया गया है। और वैसे भी यहाँ पर पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि पूर्ण रूप से ये जो राजस्व गांव है छितौनी, ये पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त 3 साल पहले ही हो चुका है। और ये अभी आप जो सामने देख रहे हैं आरओ ठंडे पानी की व्यवस्था लिखी हुई है, इस पर शुद्ध आरओ का पानी आपको मुहैया होगा चंद सिक्के डाल के। और भी हम बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, चूँकि बेसिक चीज़ था हमारा कि पूरा गांव हुआ तिरंगामय, और उसके साथ ही इसकी जो जो विशेषताएँ हैं उसको भी हम आपके साथ साझा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ का ज़र्रा ज़र्रा तिरंगामय है, और उसी के तहत पानी की टंकी पर भी तिरंगा के कलर का आप देखेंगे कि यहाँ पे जय छितौना लिखा हुआ है। और निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत बड़ा ये प्रयास है, और सबसे बड़ी बात है कि हमें खुद यहाँ पे आके इस सुखद आश्चर्य हुआ कि वास्तव में अगर कोई ग्राम प्रधान चाहे तो क्या इस तरह से चीज़ें बन सकती हैं। जिस तरह की ग्रामीण भारत की तस्वीर
खींची होनी चाहिए, जैसा कि प्रधानमंत्री भी चाहते हैं या कोई भी मुखिया जो है वो चाहता है। अगर ऐसा हो जाना चाहिए, इस तरह से हो जाना चाहिए, तो क्या ऐसा संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है, क्योंकि हमको यहाँ पर आके तो ऐसा ही लग रहा है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं प्रधान प्रतिनिधि दिनेश कुमार यादव जी, और वो अपने उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। प्रधान जी, ये बताइए कि आखिर इस तरह की सोच आई कैसे आपके? सर, हम बाहर रहने वाले लोग हैं, बाहर रहते थे, लगभग 13-14 साल बाहर रहे हैं, बम्बई और दिल्ली में। हमारे गांव की दुर्दशा बहुत, मतलब वो थी, बहुत ख़राब था गांव का स्थिति। तो हमारे पटदार ही प्रधान रहा करते थे, लेकिन कोई विकास का कोई मतलब नहीं था गांव में, सबसे पूरे क्षेत्र में बिगड़ा हुआ गाँव था। तो हमारे अंदर सोच आई कि हम कितना भी कमा लेंगे कोई मतलब नहीं, अगर गांव विकास नहीं किया तो अकेले विकास करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसी नियत के साथ हम अपने गांव में उतरे और चुनाव जीत के एक शुरुआत किए, उसकी जड़ बनाए कि कहां से कहां तक हमें जाना है, उसी के आधार पर आज भी चल रहे हैं। दिनेश जी, सबसे अनोखी बात यह है कि ठीक है, लोग प्रगति करते हैं गांव में, आदर्श ग्राम भी घोषित करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन ये तिरंगा का मन में आपके कैसे आया? बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ये। नहीं सर, इसे आउटडोर में जो भी पेंट का काम करना है, हमें सजाने का काम करना है, तो कोई पार्टी का कलर लेंगे कोई मतलब नहीं रहेगा। पार्टियां चंद लोगों के लिए है, चंद लोग खुश होंगे। ये तिरंगा हमारे भारत का गौरव का कलर है, हमारा, हमें और आपको सबको, देशवासियों को गर्व होता है इस पर, इसलिए तिरंगा रखा गया कि किसी को इससे परेशानी ना हो और कम से कम हमारे देश का एक तिरंगा लहरता हुआ रहे और गाँव में एक संदेश भी जा शांति का, इसीलिए तिरंगा को चुना गया है। दर्शकों, एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे, यहाँ से दो ग्राम पंचायतें नॉमिनेट हुई थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पुरस्कार के लिए, इसके तहत ग्राम चितौना को भी 25 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है, स्वीकृत हो गया है। उसके बारे में जरा हम बात करेंगे। ये बताइए कि 25 लाख का स्वीकृत हो गया है, केवल दो ही ग्राम पंचायतें, क्या कहेंगे इसके लिए? सर, ग्राम पंचायतों तो बहुत सारी चुनी जाती हैं, ज़िले से जाती हैं, डिमांड होता है, हम डिमांड किए थे उसमें, तो हमारे गांव में टीम भी आई थी, दो दो तीन तीन बार टीमें जांच की है, जांच करने में अव्वल आया, तभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार घोषित हुआ है। तो निश्चित रूप से दर्शकों, हम आपको अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर एक व्यक्ति के दृढ़ इच्छा शक्ति से ये सारी चीज़ें मुमकिन हैं, तो कुछ भी हो सकता है। हम अपने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल सकते हैं, और कम से कम ये तस्वीर जो हम आपको इस समय दिखाए हैं अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ, ये तस्वीर तो निश्चित रूप से अपने आप में बिल्कुल अलग है, एक नज़ीर साबित होगी। तो हमारा ये खबर दिखाने का केवल ये मकसद था कि लोग भी इसके बारे में अवेयर हों कि हाँ, इस तरह का भी एक गोरखपुर में गांव है, और दूसरा जनप्रतिनिधि भी इस चीज़ को जाने कि निश्चित रूप से अगर आदमी चाहे, उसके अंदर इच्छा शक्ति हो, तो वो अपने गांव की तस्वीर बदल सकता है। अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ सिटी वन के लिए सुनय पांडे।